नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल BSA ट्रिकी क्लासेस में। दोस्तों, आज के आप लोग के इस क्लास में आज हम यहाँ पर RRB ALP का प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करेंगे, जो कि आप लोग के इस आने वाले एग्जाम RRB NTPC और RRB ग्रुप डी के लिए भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि इसमें मैथ्स और रीजनिंग का जो लेवल है क्वेश्चन का वो काफ़ी अच्छा है। ठीक है, इसका स्तर जो है वो काफ़ी अच्छा रखा गया, काफ़ी बेटर है। ठीक है, तो आप लोग आज की इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखेगा, एक एक क्वेश्चन को समझते हुए चलेगा। तो पूरे के पूरे दोस्तों आज हम सभी क्वेश्चन आप लोग के साथ डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये ALP का सेकंड पेपर आज हम आप लोग के साथ डिस्कस कर रहे हैं, और ये पेपर फिलहाल 10 अगस्त सिर्फ सेकंड का पेपर है। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन आप लोग के इस बार भी एग्जाम में आएंगे, तो देख सकते हैं कैसा लेवल आने वाला है इस बार भी। तो वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखिएगा। यदि दोस्तों आप लोग चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद है उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हमारे साथ जुड़ने के लिए दोस्तों आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया है। ओके, और यदि आप लोग जो है यहाँ पर RRB के लिए NTPC और यहाँ पर ग्रुप डी के लिए मॉक टेस्ट सीरीज लेना चाह रहे हैं, तो आप लोग ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज भी परचेस कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया है। ठीक है, वहां पर आप लोग को पूरे 30 सेट मिलेंगे, जो कि आप लोग के प्रैक्टिस सेट से जो है काफी ज्यादा बेटर है। ठीक है, तो चलिए फिलहाल शुरू करते हैं आज के इस पेपर को, आइए सॉल्व करते हैं। तो फिलहाल दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, यह है आप लोग का RRB ALP टेक्नीशियन 2018 का 10 अगस्त का सेकंड शिफ्ट का पेपर है, और यह आप लोगों में से किसी एक स्टूडेंट के द्वारा यहां पर आया है, और आज हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं हमारा आज का सबसे पहला क्वेश्चन, ये रहा आप लोग के सामने। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं पहला क्वेश्चन ये रहा आप लोग के सामने, यहाँ पर आपको दिया गया समस्या चित्र यानी कि प्रॉब्लम फिगर जो है नीचे के उत्तर चित्रों में से किसी एक में सन्निहित है। अब आपको बताना है कि इस उत्तर की पहचान करनी है किस में। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर एक डायग्राम बना हुआ है ये, ठीक है, तो ये जो डायग्राम ये दोस्तों किस फिगर में सन्निहित है, यही चीज़ आपको जो है पहचानना है। देखिए यहाँ पर देखिए एक सीधी लाइन है, लेकिन वो बात नहीं है इसमें, ये गलत, ये भी आपका इसमें भी ये फिगर सन्निहित नहीं है, और इस डायग्राम में भी ये पूरा जो ऊपर वाला प्रॉब्लम फिगर वो सन्निहित नहीं है। लेकिन ध्यान दीजिए दोस्तों, आप लोग अब देखिए इस क्वेश्चन को यहाँ से देखिए, अब आपको पूरा दिख जाएगा कि पूरा का पूरा फिगर जो है आपका ए फिगर में सन्निहित है, तो इसलिए आप लोग का जो इसका आंसर आएगा वो आपका ए वाला आएगा। कैसे ए वाला आएगा, तो आइए मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आपका यहाँ पर डायग्राम दे रखा है, ये एक सीधी लाइन है, एक ऐसे, और एक लाइन दोस्तों सीधी कैसे चली गई, यहाँ पर सीधी लाइन काटते हुए चली गई उसको। अब आपको भी यहाँ पर देखना है दोस्तों किस प्रकार से ये चल रहा है। तो देखिए दोस्तों ध्यान से, एक आप लोग की यहाँ पर सीधी लाइन दे रखी है, ठीक है, ओके, दूसरी भी आप लोग को यहाँ पर, जैसे कि आप लोग इसको देख लीजिए, एक आपको ये लाइन दी गई है, एक आपको यहाँ पर ये लाइन दे रखी है, और दूसरी लाइन बिल्कुल सीधे काटते हुए निकल जा रही है। जैसे कि देखिए ध्यान से, ये एक फिगर इसमें सन्निहित है, देख पा रहे हैं आप लोग, ये लाइन बिल्कुल सीधी काटते हुए चली जा रही है, तो इसमें फिगर आप लोग का ये सन्निहित, देखिए सेम ऐसा ही बन रहा है, इसमें भी सेम ये आपका ऐसा ही बन रहा है। तो आपको बस यही चीज़ पहचाननी थी कि ये प्रॉब्लम फिगर जो है ये आंसर वाले फिगर में किस डायग्राम में सन्निहित है, तो फिलहाल यहाँ पर ए वाले फिगर में सन्निहित है। चलिए फिलहाल ये था आपका पहला क्वेश्चन, अब बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है। आप यहाँ पर देखिए, दिए गए प्रश्न पर विचार करें और निर्णय लें कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्न में से कौन सा कथन पर्याप्त है। अब जैसा कि यहाँ पर एक कथन आपको दिया गया, एक स्टेटमेंट दिया है, यदि एक्स ने, मान लीजिए कोई व्यक्ति है एक्स जिसने इतिहास, भाषा यानी कि लैंग्वेज, और साइंस में औसतर अंक जो है वो 50 अंक प्राप्त किए, यानी कि तीन सब्जेक्ट हैं, एक है हिस्ट्री, एक है लैंग्वेज और एक है साइंस, इन तीनों ही सब्जेक्ट में 50 का एवरेज लाया है वो, यानी कि टोटल अंक मान लीजिए 50 थी यहाँ, तो आप लोग का 150 आ जाएगा। ठीक है, 53 जब 150 आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर बताना कि साइंस में जो है उसे कितने नंबर प्राप्त हुए, ये बताना कि साइंस में उसे कितने नंबर मिले। अब पहला स्टेटमेंट देखिए क्या है, उसका इतिहास और भाषा का एवरेज जो यहाँ पर अंक दे रखे हैं, नंबर दे रखे हैं, एवरेज नंबर वो 25 है। तो दोस्तों यहाँ पर दो सब्जेक्ट का आपको एवरेज बता देगा कि हिस्ट्री और लैंग्वेज का जो एवरेज है वो कितना है, वो 25 है। 25 एवरेज यानी कि टोटल कुल अंक 50 हो जाएंगे। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं हिस्ट्री और लैंग्वेज के 50 हैं, और टोटल दोस्तों यहाँ पर इन तीनों के कितने हैं आपके दे रखे हैं, जैसे कि 50 50 50, तो ये होगा 150, और यहाँ पर दे रखे हैं 25, तो 25 50, यानी दोस्तों आप लोग 50 इसमें से घटा देंगे तो आपका 100 निकल आएगा, यानी कि आप लोग जो है उसका निकाल सकते हैं कि साइंस में उसने कितने अंक प्राप्त किए होंगे, तो 100 प्राप्त किए होंगे। और सेकेंड वाला कथन देखिए क्या दिया गया, उसे भाषा में 30 अंक प्राप्त हुए, तो क्या इस आधार पर आप लोग बता सकते हैं कि विज्ञान में कितने अंक मिले? नहीं, आप लोग सिर्फ और सिर्फ पहले कथन का प्रयोग करके ही निकाल सकते हैं कि उसे विज्ञान में कितने अंक प्राप्त हुए, दूसरा वाले कथन से दोस्तों पर्याप्त यहाँ पर डेटा नहीं है। तो इसलिए देखिए आपका इसका आंसर क्या आएगा, यहाँ पर इसका आंसर आएगा थर्ड। देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, कथन एक जो है वो अकेला ही ऊपर के प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम है, परंतु कथन दो अकेला ही ऊपर के प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम नहीं है, ये इसका आंसर आएगा।
चलिए इसके बाद देखते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है। न्यूटन के द्वारा, दोस्तों न्यूटन के द्वारा गणित की भी जो गणित है इसके निम्नलिखित शाखाओं में से किसका आविष्कार किया गया। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रांचेस ऑफ मैथमेटिक्स वॉज इन्वेंटेड बाई न्यूटन, बीज गणित, ज्यामिति, तर्क या फिर दोस्तों आपका गणना। तो इसका आंसर आप लोग का दिया गया है कैलकुलस। ठीक है, तो ये आपका इसका आंसर है, ये है आप लोग का गणना। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं हमारा आज का फोर्थ क्वेश्चन, ये रहा आप लोग के सामने गति का पहला समीकरण जो है ये किसके बीच संबंध दर्शाता है। गति का जो दोस्तों पहला समीकरण है ये किसके बीच संबंध दर्शाता है, स्थिति और वेग के, वेग और समय के, वेग और त्वरण के, स्थिति और समय के। तो ये आपका वेलोसिटी और टाइम के बीच जो है संबंध दर्शाता है। तो गति का जो पहला नियम है, जो पहला समीकरण ये है वेग और समय के बीच के संबंध को दर्शाता है। ठीक है, चलिए दोस्तों इसके बाद बात करते हैं हमारा फोर्थ के बाद फिफ्थ क्वेश्चन में आपको यहाँ पर क्या दिया गया देख पा रहे होंगे आप लोग। अब देखिए, एक्स जो है वो गाड़ी चलाकर दक्षिण की ओर 30 किलोमीटर जाता है और दाहिने मुड़कर जो है 30 किलोमीटर सीधे जाने के बाद बाईं ओर मुड़कर सीधे 20 किलोमीटर जाता है और पुनः बाईं मुड़कर सीधे 30 किलोमीटर जाता है। तो एक्स अपने प्रारंभिक स्थान से अब कितनी दूरी पर है ये आपको बताना है। तो दोस्तों ये आपका जो है डायरेक्शन टेस्ट से क्वेश्चन है और मैंने आपको बताया कभी भी अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए तो देखिए सबसे पहले आपको डायरेक्शन की नॉलेज होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो जैसे कि मान लीजिए ये डायरेक्शन हमेशा आप लोग की उत्तर वाली होती है, ये नीचे वाली डायरेक्शन आपकी दक्षिण, ये आपका साइड पूरब रहती है और ये साइड आपकी पश्चिम होती है। अब पढ़िए क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, ध्यान दीजिए। अब एक्स जो है वो गाड़ी चलाकर दक्षिण की ओर 30 किलोमीटर जाता है। मान लीजिए दोस्तों एक्स आपका यहाँ पर खड़ा हुआ है, ये नीचे गया, कितना चलता है दोस्तों 30 किलोमीटर जो है नीचे की तरफ जाता है यानी कि दक्षिण की ओर गया। इसके बाद दाहिने मुड़ता है यानी कि राइट साइड में मुड़ेगा और 30 किलोमीटर चलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर दाहिने मुड़ा और कितना चला 30 किलोमीटर चलता है। ठीक है, 30 किलोमीटर चल लिया। आगे पढ़े दोस्तों क्या, इसके बाद यहाँ पर इतना पूरा होने के बाद सीधे जाने का बाईं ओर मुड़कर 20 किलोमीटर जाता है। अब दोस्तों ये बाईं ओर मुड़ता है यानी कि नीचे जाता है और कितना चलता है सिर्फ और सिर्फ 20 किलोमीटर चलता है और पुनः बाएं मुड़कर सीधे 30 किलोमीटर जाता है। अब बाएं मुड़ता है सीधे दोस्तों कितना जाता है 30 किलोमीटर जाता है। तो अब वह प्रारंभिक स्थान से कितना दूरी पे दोस्तों देखिए, अब एक बात ध्यान दीजिए, ये लाइन आपकी 30 की है, ये लाइन आपकी 30 की है, तो ये तो दोनों बराबर हो गए यानी कि दोस्तों ये पॉइंट बराबर होंगे। अगर दोस्तों ये डिस्टेंस आपकी 20 की है तो ये डिस्टेंस भी कितनी की होगी 20 की होगी। तो 30 और 20 और 30 से मिलाकर कितना हो जाएगा 50 किलोमीटर आ जाएगा। इस प्रकार से आपका आंसर थर्ड वाला करेक्ट हो जाएगा। तो 50 किलोमीटर जो है वो आपकी प्रारंभिक स्थान से एक्स की दूरी है। ठीक है, ये था फिफ्थ क्वेश्चन। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं हमारा सिक्स क्वेश्चन, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन ये भी, और ये आप लोगों ने द्विघात समीकरण पढ़े होंगे कि एक हल होगा, अनंत हल होंगे या फिर एक भी हल नहीं होगा। दोस्तों मैं कंडीशन एक बार आपको फिर से अप्लाई कर जो है करके बताऊंगा। दोस्तों यदि दोस्तों किसी भी अगर कोई दो रेखाएं आपको दे रखी हैं और वो एक बिंदु पर अगर प्रतिच्छेदित करती हैं, दो लाइनें एक दूसरे को अगर इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक है, एक पॉइंट पर, तो उसका आपका एक आंसर आएगा यानी कि एक हल होगा। ठीक है, और दोस्तों अगर आपको बता दें दोनों ही लाइनें अगर एक के ऊपर एक हैं तो इसका मतलब दोस्तों क्या, ये सब अनंत हल होंगे, इसके जो हल होंगे अनंत होंगे यानी कि हर पॉइंट पर इसका आंसर होगा। और अगर दो लाइनें दोस्तों समांतर जा रही होंगी और इन दोनों रेखाओं का समीकरण दे रखा होगा तो इनका दोस्तों आंसर कितने होंगे, इनका एक भी हल नहीं होगा क्योंकि ये दोनों ही जो लाइनें हैं ये समांतर, इसलिए इनका एक भी हल नहीं होगा। अब यहाँ पर कंडीशन देखिए क्या दे रखी है, यहाँ पर दे रखा है एक्स प्लस 2y - 8 = 0 और यहाँ पर दे रखी है 2x + 4y = 16। तो इसमें बताना है कि आपका हल कितना होगा, अनंत, 2, 1 या फिर 0। तो जोड़ों के हलों की संख्या कितनी होगी, दोस्तों मैंने आपको एक बार बताया भी था a1 / a2 / b1 / b2 / c1 / c2। अगर दोस्तों a1 a2 b1 b2 c1 c2 अगर ये आपस में बराबर हैं, ठीक है, तो दोस्तों उसके इनफाइनाइट हल होंगे यानी कि इसका आंसर आएगा अनंत। ठीक है, क्यों, देखिए अब a यहाँ पर क्या है, यहाँ पर a आपका एक है, यहाँ पर b a2 का मान है 2, तो 1/2 हो गया। यहाँ देखिए b1 आपका 2 है और यहाँ b2 आपका 4 है, तो 2/4 का मतलब दोस्तों क्या आपका 1/2 है, तो b1 / b2 का मान भी 1/2 आ गया। अब देखिए c1 यहाँ पर -8 और यहाँ पर दोस्तों आपका 16 है, तो दोस्तों 16/8 लिखेंगे तो भी आप, सॉरी 8/16 लिखेंगे तो भी आपका क्या आएगा 1/2 ही आएगा, इसलिए आपका जो आंसर आएगा वो इनफाइनाइट आएगा। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था, इसमें ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 10th लेवल का क्वेश्चन है और ये स्टैंडर्ड तो आप सभी को जो है प्रिपेयर हो गई। अब चलते हैं फिलहाल देखिए अगला क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन की तरफ देखिए, यहाँ पर आपको क्या दिया गया। अब देखिए दोस्तों ये आपको ग्रेप्स दे रखें, ग्रेप्स का मतलब होता है अंगूर, अंगूर दिए गए हैं तो इसका बंच हो गया, अंगूर का गुच्छा होता है दोस्तों, गुच्छे को बोलते हैं इंग्लिश में बंच। इसी प्रकार जो भेड़ होते हैं, भेड़ों के झुंड को क्या बोला जाता है, इसको बोलते हैं फ्लॉक। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर में कहीं फ्लॉक दिया है तो ये दिया फ्लॉक, तो इसका आंसर आप लोग का सेकंड वाला आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसका देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं उस विकल्प का चयन करें जो दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या दर्शाता है। अब आपको त्रिभुजों की संख्या बतानी कितनी होगी, जैसे कि आप लोग गिनिए, यहाँ पर ये एक आपका ट्रायंगल दे रखा है, एक,
ठीक है, फिर आपका 2 3 4 5 6 ट्रायंगल आपके ये हो गए। अब डबल वाले चेक कीजिए कौन कौन से। एक आपका यहाँ से ये बन रहा है, ठीक है, 7। एक आपका दोस्तों ये बन रहा है 8, पूरा ट्रायंगल, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों आप लोग देखिए, एक आपका ट्रायंगल ये बन रहा है 9, और एक ट्रायंगल इसी प्रकार से आप लोग का ये बन रहा है, ये हो गया आप लोग के 10 ट्रायंगल। तो पूरे के पूरे इसमें कितने ट्रायंगल हैं, यहाँ पर 10। अब देखिए ऑप्शन में कहीं पर 10 दिया है, तो पहला वाला ऑप्शन ही आपका 10 है, ये इसका राइट आंसर होगा। तो त्रिभुजों की संख्या आप लोग इसमें तो फिलहाल गिन सकते हैं, लेकिन मैंने कुछ स्पेशल ट्रिक भी आप लोग के साथ डिस्कस की है। अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो अभी यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं काउंटिंग द फिगर, ओके, नाम है काउंटिंग द फिगर। इस चैप्टर को मैंने बिल्कुल कंप्लीट कराया है, एक बार अगर देख लेंगे तो भविष्य में कभी भी इस टाइप के क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, ठीक है। बस आगे BSA जरूर लगा लीजिएगा, वरना आपको वीडियो नहीं मिलेंगी हमारी, ठीक है। तो काउंटिंग द फिगर BSA ट्रिकी क्लासेस लिखेंगे, वैसे आपको हमारी सारी इसकी जितनी भी लेटेस्ट 3 मैंने इसकी पूरी प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी है, आप लोग सारी वीडियोज हमारे इसमें देख पाएंगे। चलिए फिलहाल दोस्तों चलते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप लोग का सीधे आता है 10th नंबर पर। तो 10वें प्रश्न में आपको क्या दिया गया, देखिए, 40 संख्या प्राप्त करने के लिए संख्या 6 सही 2/9 में किससे गुणा किया जाना चाहिए। मान लो दोस्तों यहाँ पर कोई संख्या दे रखी है 6 सही 2/9, यानी कि कितना दे रखा है, ये अगर आपको दे रखा है 6 सही 2/9, तो 6 54 55 56/9 आपको दिया गया। इनडायरेक्टली आपको क्या दिया गया, ये आपको दिया गया 56/9। दोस्तों इसमें किससे हम गुणा कर दें कि हमारा जो नंबर है वो 40 आ जाए। तो कुछ नहीं करना दोस्तों, सिंपल सा है। सबसे पहले इसको दोस्तों क्या करेंगे, एक्स का मान आपको फाइंड आउट करना है। 4 * 4 0 का 0, यहाँ पर आ जाएगा 4 * 4 = 16, 14 आ गया। इधर आ जाएगा 90, अपॉन में आ जाएगा दोस्तों 14, ठीक है। तो बस आप लोग इसके दोस्तों निकाल सकते हो, यहाँ से आपका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, आपका आंसर आएगा 6 सही 3/7, यहाँ से आपका आंसर निकल आएगा, ठीक है, क्लियर इतनी बात। तो इसी तरीके से आप लोग का जैसे कि यहाँ पर बचेगा आपका, यहाँ पर आ जाएगा जैसे कि 56, आपका क्या था 56 था, अपॉन में 9 था, इधर आप लोग का एक्स था, बराबर में आपका 40 चल रहा था, ठीक है। फिर मैंने दोस्तों क्या किया, यहाँ पर सीधे इसको काटा, यहाँ पर 4 से 4 था, यहाँ पर 40 हो गया, आपका यहाँ पर आ गया था 14। फिर 2 से काटे, 2 * 7 = 14, 2 * 5 = 10, 5 * 45 / 7 आंसर आएगा 45/7। इसको डिवाइड करेंगे 7 * 6 = 42, 3 बचेगा शेष, और बचे में 60, आपका अपॉन में 7 आ जाएगा, तो 6 सही 3/7 आंसर आएगा। चलिए फिलहाल दोस्तों चलते हैं अगला क्वेश्चन। ध्वनि की पिच जो है इसके किस बात पर निर्भर करती है, तरंग दैर्ध्य पर, आयाम पर, लय पर, या फिर आवृत्ति पर। तो आपको दोस्तों बताते हैं, ध्वनि का जो पिच होता है, ठीक है, ये डिपेंड करता है उसकी फ्रीक्वेंसी पर, उसकी आवृत्ति पर। तो यहाँ पर इसका आंसर ये हो जाएगा। यांत्रिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा जो है ये किसका संयोजन है, तो यांत्रिक ऊर्जा की बात करें, गतिज ऊर्जा की बात करें, और स्थितिज ऊर्जा का ये संयोजन है। तो यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का यहाँ पर संयोजन है, इसका संयोजन है। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में 13 में आपको क्या दिया गया है, सीता की बाल्टी की धारिता जो है वो रामू की बाल्टी से 3 गुना है। सीता एक खाली ड्रम को भरने के लिए 60 बार बाल्टी पलटती है। यदि सीता और रामू दोनों मिलकर जो है ड्रम भरने लगते हैं, तो उन दोनों को कुल कितनी बाल्टियों से जो है कितनी बार बाल्टी भरकर ड्रम में पलटनी होगी। अब देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है सीता और रामू, एक सीता और एक दूसरा है रामू, ठीक है। सीता की बाल्टी की धारिता रामू की बाल्टी की धारिता की 3 गुनी है। यदि रामू की बाल्टी की धारिता अगर 1 है, तो दोस्तों सीता की बाल्टी की धारिता कितनी होगी, 3 होगी। अब आगे देखिए, सीता जो है एक खाली ड्रम को भरने के लिए 60 बार पलटती है। अब आपको पता है खाली ड्रम को 60 बार पलटती है सीता का, दोस्तों यहाँ पर जो क्षमता रखी वो 3 की है, ये तो निकाल लिया मैंने, इसे लिख लिया। अब जिसकी निकालते हैं उसको डिवाइड करते हैं। अब आपको निकालना दोनों लोग मिलकर, तो 3 और 1 4, दोनों की क्षमताएँ मिलकर कितनी हो जाएंगी, 4 हो जाएंगी। आप सॉल्व कीजिए, 4 को इससे डिवाइड करेंगे, 4 * 4 = 4 5 = 20, 15 * 3 = 45। तो दोस्तों इस प्रकार जो है इसका राइट आंसर क्या आएगा, 45 आएगा। तो दोनों लोग मिलकर 45 बार बाल्टी भरकर ड्रम में पलटेंगे, तब वो ड्रम भर जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आप लोग का 45 आ जाएगा, क्लियर हो गई इतनी बात, ओके। अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक धनायन है, अमोनियम नाइट्रेट, कार्बोनेट, हाइड्रोक्साइड। तो दोस्तों ये आप लोग का अमोनियम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वास्तुकला मुख्य रूप से चैत्य विहार स्तूप और स्तंभ होते हैं। तो इसका आंसर है आप लोग का बौद्ध, ठीक है। दोस्तों अब बात कर रहे हैं यहाँ पर, निर्वात में प्रकाश की चाल या वेग कितना होता है, ये होता है 3 × 10^8 m/s, ओके। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में आपको क्या दे रखा है, यदि यू जो है वो सॉरी वी जो है वो यू का भाई है, यू डब्ल्यू की बहन है, एक्स यू का पति है, तो यू का वी से क्या संबंध होगा, ये आपको बताना है, ठीक है। अब देखिए करना कि यदि जो है वी यू का भाई है, तो जो वी है वो यू का भाई है, यू का तो पता नहीं लेकिन वी जो है भाई है इसका, ठीक है। तो V जो है वो U का भाई हो गया, U जो है वो W की बहन है, ठीक है। तो W की बहन कौन है दोस्तों, ये U है, यानी कि दोस्तों ये बहन है। दोस्तों फीमेल को आप लोग सर्कल में लिखिए, और जो मेल है उन कैंडिडेट को दोस्तों आप लोग क्या कीजिए, स्क्वायर बॉक्स में लिखिए। आप क्या कह रहे हैं कि U W की बहन है, अब U बहन है W की, तो W इनका भाई हो गया,
एक्स यू का पति है, ठीक है। अब इनका पति जो है वो कौन है, वो है एक्स, एक्स इनका पति हो गया। तो आपको बताना है कि यू का वी से क्या संबंध होगा दोस्तों, मतलब यही पूछ लिया गया। तो दोस्तों आपको पता है ये बहन भाई है, तो फिलहाल यू का वी से क्या संबंध होगा, यू जो है वी की कौन होगी, ये बहन होगी। अब देखिए ऑप्शन में कहीं पर बहन दिया गया है, तो ये थर्ड वाला ऑप्शन आपको दिया गया है, तो ये होगा इसका राइट आंसर, थर्ड वाला। क्लियर हो गया इतनी बात, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया, जब मैग्नीशियम रिबन हवा में जो है दोस्तों जलाया जाता है तो कौन सा यौगिक उत्पन्न होता है, तो ये है आप लोग का मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। अब देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर आपको अगला क्वेश्चन क्या था, निम्नलिखित उत्तर चित्रों में से कौन समस्या चित्र का सही प्रतिबिंब है, ठीक है, सही जल प्रतिबिंब बताना दोस्तों इसमें से कौन सा होगा, ओके। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको एक डायग्राम जैसे कि दिया गया है, और यहाँ पर दोस्तों ये मान लिया आपका मिरर लगा हुआ, तो इसकी इमेज कैसे बनेगी। अब देखिए जैसे कि अगर ये इसका ऐसे बना हुआ है, तो इसके लिए दोस्तों कैसे बनेगा आपका नीचे डायरेक्शन, अगर ये दोस्तों सर्किल आपका यहाँ पर, सर्किल आपका यहाँ पर होगा, तो देखिए कहाँ पर ये दिया गया, इसमें यहाँ पर है नहीं है, इसमें यहाँ पर है नहीं है, इसमें दिया गया है यहाँ पर सेम, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, सी वाला करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से ऑप्शन आपका सी वाला राइट आ जाएगा। अब 46 और 24 का वर्गमूल कितना होगा, आप लोग निकाल सकते हैं, 68 जैसे कि दे रखा है, ठीक है, 6 और 8। देखिए स्क्वायर निकालने की टेक्निक आपको बताया, 8 का स्क्वायर होता है 64, 6 का स्क्वायर होता है 36, और इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। इन दोनों के दोस्तों आप लोग क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लोग का जैसे कि 8 है 6 है, इसका जब आप लोग आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से 48 आ जाएगा, ठीक है। 48 का आप लोग क्या करिएगा, डबल कीजिएगा, तो डबल करेंगे आपका 96 आ जाएगा, तो 9 आप लोग इधर लिखेंगे, 6 आप लोग इधर लिखेंगे। अब इसको आप लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो दोस्तों ये ऐड करेंगे तो आपको यहाँ पर देखिए 4 आ जाएगा, 6 और 6 12 आ जाएगा, ठीक है, 12 आ गया। इधर दोस्तों आपका 6 और 1 7 हो जाएगा, 9 और 7 आपका 16 हो जाएगा, और 3 और 1 4 हो जाएगा, तो कुल मिलाकर आप लोग का 46 और 24 आ रहा है, तो बस ये इसका राइट आंसर है, ठीक है, ओके। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर आपको अगला क्वेश्चन रखा है, संक्रमण तत्व क्या होते हैं। देखिए संक्रमण तत्व वह तत्व होते हैं जिनके दो सबसे बाहरी सेल अधूरे हों, संक्रमण तत्व कौन से होते हैं जिनके दो जो सबसे बाहरी सेल हैं वो अधूरे हों, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर दिया गया कि एक लंबवृत्तीय शंकु जिसके आधार की त्रिज्या उसकी ऊंचाई के बराबर है, जिसका आयतन एक अर्धगोले के आयतन के बराबर है, शंकु तथा अर्धगोले की त्रिज्याओं का अनुपात क्या है, यह आपको बताना है। अब देखिए आपको सबसे पहले बात बता दी गई कि आधार की त्रिज्या उसकी ऊंचाई के बराबर, मान लीजिए अगर ये कोई एक शंकु है, ठीक है, इसके आधार की त्रिज्या मान लीजिए दोस्तों ये आर है, और इस शंकु की ऊंचाई मान लीजिए एच है, तो त्रिज्या ऊंचाई के बराबर यानी कि एच बराबर आप लोग आर लिख सकते हैं, ठीक है। और आपको कहा गया कि इन दोनों के आयतन ही बराबर है, मान लीजिए दोस्तों ये एक शंकु है और एक ये गोला, इन दोनों के आयतन भी अर्धगोला है, ठीक है, एक ही आपका अर्धगोला, इन दोनों के आयतन भी बराबर हैं। अब शंकु का आयतन दोस्तों क्या होता है, शंकु का आयतन होता है 1/3 πr² h, ये होता है शंकु का आयतन। अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 π, और इसको कैपिटल आर मान लीजिए, मान लीजिए दोस्तों उसकी जो त्रिज्या है वो कैपिटल मान लीजिए क्यूब, ये लिख लिया। इन दोनों के दोस्तों क्या हो गया आप लोग के, जी आयतन बराबर हो गए, 3 से 3 काटा, और आपको मैंने बताया कि h बराबर आपको r दिया गया है क्वेश्चन में ही, तो दोस्तों यहाँ पर h की जगह r लिख सकते हैं, तो r² और r ये r³ हो जाएगा, पाई से पाई भी कट गया, तो इधर दोस्तों सिर्फ बचेगा आपका r³, और इधर बराबर में क्या आ जाएगा आपका 2R³, ठीक है। अब यहाँ से दोस्तों क्या स्टेप आएगा आपका r³ और अपॉन में R³, ये आपका आ जाएगा 2/1, जब आप लोग क्यूब हटाएंगे तो यहाँ पर 2 और 1 के बीच में जो है ऊपर क्यूब रूट आ जाएगा, तो दोस्तों 1 का तो क्यूब रूट आपका 1 ही होगा, 2 के ऊपर क्यूब रूट लगा रहेगा, इसलिए इसका आंसर आ जाएगा 2³ में और ratio 1, तो इसलिए आपका आंसर यहाँ से सेकंड वाला करेक्ट हो गया। अब देखिए लालू और बालू के आयु का अनुपात रखा, मान लीजिए ये लालू है ये बालू है, इनका रेशियो रखा 1 और 2 का, 7 साल बाद अगर ये पी है तो ये P+7, दोस्तों मैंने एक ट्रिक आपको बताई थी, ये P+7 है। रेशियो रखा 3 और 5 का, इन दोनों में अंतर देखिए कितने का है, 2 का अंतर है, इनमें दोस्तों बीच में अंतर 1 का है कि 2 में से 1 गया, 1 बचेगा, 5 में से 2 है, 3 में से 5 आप लोग का, 5 में से 3 गया, 2 बचेगा। अब इनका अंतर बराबर होना चाहिए, बराबर अंतर करने के लिए दोस्तों क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई इधर करा देंगे, तो हमारा दोनों जगह 2-2 हो जाएगा, तो देखिए 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये तो 2 और 4 आ गया, यहाँ पर 3 और 5 ही रहेगा। अब देखिए 3 में से 2 हटाएंगे तो आपका एक्स बराबर आपका 7 आ जाएगा, ठीक है, 7 आ गया है आप लोग का। आपको किसकी आयु बतानी है, बड़े व्यक्ति की, तो देखिए बड़ा व्यक्ति कौन होगा, ये आपका 2 वाला होगा, बालू है, बालू के वर्तमान आयु बतानी, तो बालू का रेशियो 4 है, 4 के मल्टीप्लाई 7 से करें तो आपका आ जाएगा 28, 7 चौक 28, तो इस प्रकार से आपका आंसर क्या होगा, डायरेक्ट 28 आ जाएगा, ठीक है। चलिए
अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, जैसे कि एच आई जे, के छोड़ा एल, एम छोड़ा एन, तो इससे पहले एक स्टेप छोड़ के क्या आएगा, एफ आ जाएगा, ठीक है, एफ जी एच आई जे के एल एम एन। तो इस प्रकार दोस्तों इसका आंसर आप लोग का एफ वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर अगला क्वेश्चन दे रखा है, नीचे दिए गए कथनों को सत्य मानते हुए यह ज्ञात करें कि कथन के आधार पर कौन सा निष्कर्ष निश्चित रूप से निकाला जा सकता है, सभी बाघ चील हैं, सभी चील पक्षी हैं। तो वैसे तो इसका आंसर आना चाहिए क्योंकि चील से आपका चील कट जाता है और आपका आंसर था सभी बाज पक्षी हैं, तो सभी बाज पक्षी हैं, तो इसको बोल सकते हैं, ये आपका ए में आंसर आता कि सभी बाज पक्षी हैं, तो कुछ बाज पक्षी होंगे, कुछ पक्षी बाज होंगे। तो देखिए यहाँ से आपका एक निष्कर्ष तो ये निकल रहा है, कुछ पक्षी बाज हैं, कुछ बाज पक्षी हैं, तो दोनों ही निष्कर्ष आप लोग के निकल रहे हैं यहाँ से, इसलिए इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ये आपका दोनों ही आ जाएगा। देखते हैं ऑप्शन किस में दोनों दिए गए, तो निष्कर्ष फर्स्ट और निष्कर्ष सेकंड दोनों ही अनुसरण करते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर आपका यही होगा, ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2017 के चुनावों के बाद किसने गोवा के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार ग्रहण किया था। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग जानते हैं मनोहर पर्रिकर, जी दोस्तों जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं अगला क्वेश्चन 31 में क्या है, उस विकल्प का चयन करें जो निम्न चित्र की खाली जगह में भरकर जो है सही प्रकार से फिट होगा। तो दोस्तों इसके स्थान पर कौन सा डायग्राम आएगा, देखिए सबसे पहचान वाली बात, देखिए यहाँ पर आपका इस प्रकार से आएगा, ये तो पता ही है, लेकिन डबल लाइनें जा रही हैं लेकिन एक दूसरे को काट नहीं रही हैं। देखिए ये गलती आपकी कहाँ पर इसमें है, गलती ये है, देखिए लाइन के ऊपर लाइन दी गई है लेकिन ऐसा नहीं है, आपकी जो नीचे लाइन है वो ऊपर है, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि ये जो लाइन आ रही है गोल वाली ये ऊपर है सबके, इसमें तो ये लाइन ही नहीं है, तो ये भी गलत हो गया, इसमें भी लाइन काट रही है गलत, ये रहा सही फिगर, इसमें देख पा रहे होंगे दोस्तों ये जो लाइन आ रही है वो सबसे ऊपर दी गई है, इसलिए इसका राइट आंसर आपका ये होगा, ठीक है ओके। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर क्या दिया गया, किसी त्रिभुज का आधार उसके समान क्षेत्रफल वाले समांतर चतुर्भुज के आधार का आधा है। त्रिभुज और चतुर्भुज के आधारों के संलग्न ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा, ये आपको बताना है, यानी कि इन दोनों की ऊंचाइयाँ ज्ञात करनी है। मान लो दोस्तों एक आपका एक ट्रायंगल दे रखा है जैसे कि, तो इस ट्रायंगल की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है, इसको स्मॉल एच मानेंगे, और एक आपको दे रखा है समांतर चतुर्भुज, ठीक है, इसकी ऊंचाई मान ली ये एच है, कैपिटल एच, तो इन दोनों का रेशियो आपको बताना है, और आपको दिया गया है कि त्रिभुज का आधार उसके समान क्षेत्रफल वाले, यानी कि इन दोनों का क्षेत्रफल बराबर है, आधार का आधा है, लेकिन जो इसका ये जो आधार है अगर ये बेस बी है, तो दोस्तों अगर ये मान लिया 2b है तो ये आपका b होगा क्योंकि ये इसका आधा है, तो इन दोनों की ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दोनों के आपको पता है जो है क्षेत्रफल बराबर दिए गए, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, 1/2 बेस इंटू हाइट, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, और इसका क्षेत्रफल क्या होता है, बेस इंटू हाइट होता है सिर्फ, कैपिटल एच मान लिया, लेकिन आपको यहाँ पर दिया गया है अगर इसका बेस 2b है तो इसका बेस का जो है ये आधा है, तो देखिए अब आधा है, अगर ये 2b है तो ये हमारा त्रिभुज वाला क्या होगा, बी होगा, क्योंकि यहाँ पर दिया गया है कि त्रिभुज का आधार उसके समान क्षेत्रफल वाले समांतर चतुर्भुज के आधार का आधा है, तो आधा हो गया। अब आपको इनकी ऊंचाइयों का अनुपात करते हैं कि बी से बी आपका कट जाएगा, ठीक है, त्रिभुज और चतुर्भुज का, तो त्रिभुज आपका एच है, चतुर्भुज दोस्तों आपका कैपिटल एच है, इसको हम लोग अपॉन में लिया है, यहाँ पर 2 ऑलरेडी लिखा है, ये 2 आपका इधर जाएगा तो आ जाएगा 4/1, तो आपका रेशियो आ जाएगा 4:1, यानी कि आपका आंसर सेकंड वाला करेक्ट हो जाएगा, क्लियर हो गया इतनी बात, ओके। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर दिया गया, एक निश्चित धनराशि पर 5% के वार्षिक दर से 3 वर्ष में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज जो है वो है 5250 रुपये, समान अवधि के लिए ब्याज की समान दर पर उसी धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, ये आपको बताना है। दोस्तों आपको पता है कि साधारण ब्याज जो है ये आपको 3 सालों का दे रखा है, यानी कि हर साल में दोस्तों बराबर ही जो है जो ब्याज प्राप्त हुआ होगा आपको पता ही है, तो सबसे पहला काम क्या है आप लोग देखिए 5250 को आप लोग 3 से डिवाइड कर देंगे, तो आप लोग जब इसको 3 से डिवाइड करेंगे 5250 को, तो आपका 1750 आ जाएगा, यानी कि आपको पता है कि 1, 2, 3 सालों तक 1750 पहले साल ही मिला होगा, 1750 दूसरे साल ही मिला होगा, 1750 तीसरे साल ही मिला होगा, ये ब्याज हो गया। अब दोस्तों अगले साल 1 साल के बाद दूसरे साल में क्या होगा, 1750 का भी 5% ब्याज मिलेगा, तो 1750 का 5% दोस्तों कितना होगा आपका 87.5, ठीक है, और अगली बार दोस्तों इसको भी तीसरे साल में दोस्तों क्या होगा, इसका भी डबल मिलेगा, तो दोस्तों इसका डबल आप लोग का क्या होगा, जैसे कि इसको तो आपने 100 से डिवाइड कर दिया, डबल आपका क्या आ जाएगा, डबल आ जाएगा इसका 175, तो 175 दोस्तों इधर मिलेगा। अभी दोस्तों तीसरे साल का और जो है बाकी है, अगली बार दोस्तों क्या होगा, जो 87.5 लिखा है इसका भी 87.5 का भी 5% आपको ब्याज मिलेगा, तो दोस्तों ये हो जाएगा 4.37, ठीक है 4.37, अब इन सबको जोड़ दीजिए, लेकिन तीनों को जोड़ेंगे तो आपका क्या आ जाएगा,
ये तो आपको दिया गया 5250 लिखा है, 5250 ठीक है, प्लस आपका दे रखा है जैसे कि 175 प्लस 87.5, इनको ऐड करेंगे तो आपका 262 आ जाएगा, 262 लिख दिया, 262.5, और आपका इधर दे रखा है 4. इधर आ गया था 4.7 मान लीजिए दोस्तों, ठीक है। अब इनको आप लोग जोड़ लीजिएगा, देखिए इधर आपका 8 आ जाएगा, इधर 4 2 6 6 5, आप लोग का इधर दोस्तों क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा, 2 2 4 1 5, 5516 आंसर आ रहा है, कुल मिलाकर 5516 समथिंग आएगा। तो ये आप लोग का फर्स्ट वाला ही आंसर करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि भुजा जो है एक इकाई हो तो वर्ग का क्षेत्रफल उसकी भुजा के बराबर होता है, अक्सर, हमेशा, या फिर कभी नहीं, या फिर कभी कभी। दोस्तों अगर आपको बता दें, भुजा जो है अगर एक इकाई, अगर दोस्तों कोई एक स्क्वायर दे रखा है, अगर इसके दोस्तों भुजा अगर एक इकाई है तो यानी कि सारी भुजाएं दोस्तों कितनी होंगी, एक एक होंगी, तो उसका क्षेत्रफल क्या आएगा, 1 × 1 यानी कि 1 आएगा, तो हमेशा क्या आएगा दोस्तों, उसके बराबर ही होगा, ठीक है। वर्ग का क्षेत्रफल उसकी भुजा के बराबर होगा, तो कैसा होगा, हमेशा होगा, हमेशा ही रहेगा ना, बिल्कुल ठीक बात है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर क्या दिया गया है। देखिए एक वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल आपको 196 दे रखा है, प्रत्येक भुजा की लंबाई बतानी है। वर्गाकार क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर बराबर 196 दे रखा है, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए की वैल्यू आपकी 14 आ जाएगी। तो हमने प्रत्येक भुजा की लंबाई निकाली, हमारी प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी आएगी, आएगी 14 मीटर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है। भारतीय पुरुष वॉलीबॉल टीम फरवरी 2018 तक के कप्तान कौन थे, तो ये आप लोग के थे गुरिंदर सिंह जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। 2017 में प्रकाशित भारतीय अंग्रेजी उपन्यास वेन डिम्पल मैट ऋषि के लेखक कौन है, तो ये हैं संध्या मेमन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में अपना कार्यकाल समाप्त होने के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए के कौन से विश्वविद्यालय में रघुराम राजन ने वित्त के प्रोफेसर के रूप में कार्यभार संभाला है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर है बूथ स्कूल शिकागो। क्लियर इतनी बात। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं अगला क्वेश्चन हमारा दे रखा है। कौन सा भारतीय स्टॉक एक्सचेंज अपना खुद का प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव यानी कि IPO लाने में योजना बना रहा है, तो ये है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी कि NSE, ठीक है। तो कौन सा भारतीय स्टॉक एक्सचेंज है, ये है आप लोग का NSE यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिसने अपना खुद का प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव लाने की योजना बनाई है, ठीक है। यदि दोस्तों घोल का धातु, यदि घोल से धातु ए धातु बी को प्रतिस्थापित करती है, तो धातु ए जो है वो आपकी यहाँ पर बी की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील होगी, मोर रिएक्टिव होगी बी की तुलना में, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है प्रयोग करने के लिए गलत होगा। एक तत्व का एक परमाणु, एक तत्व का एक मोल, एक यौगिक का एक परमाणु, एक यौगिक का एक मोल, तो यह वाला आपका सही है कि एक यौगिक का एक परमाणु। जितने भी क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, आप लोग GS के याद के लिए, बाकी मैथ्स और रीजनिंग में कंप्लीट प्रॉपर सॉल्व करवा ही रहा हूँ आपको। अब जापान में आयोजित 2017 महिला हॉकी एशिया कप ये किसने जीता है, तो ये जीता है भारत ने, ठीक है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा, जैसे कि आपको यहाँ पर क्या दिया गया है, आपको यहाँ पर जैसे कि दिया गया कि जापान में आयोजित 2017 महिला हॉकी एशिया कप ये जीता है भारत ने, ठीक है। ओके इसके बाद देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है। विश्व के सबसे खारे रेगिस्तानों में से एक कच्छ का रण भारत के किस राज्य में, जो कच्छ का रण है ये भारत के किस राज्य में स्थित है, तो ये है गुजरात में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या दिया गया। MA फिर ब्लैंक T, इसमें एक शब्द गायब है, आप लोग एक अक्षर गायब है, क्या लिख सकते हैं। C मैक्ट कुछ नहीं होता है, O लिखते हैं तो भी कुछ नहीं होगा, माउट नहीं होता है, नाटी मोप्ट होता है, तो आपका मार्ट होता है, ठीक है। तो मार्ट आ जाएगा यानी कि MART, ये करेक्ट रहेगा इसका। ओके तो इसलिए इसका आंसर आप लोग का फोर्थ वाला करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हो गया इतनी बात। चलिए अब देखिए दोस्तों यहाँ पर तीन पाइप दे रखे हैं ABC, एक खाली टंकी से जुड़े हुए हैं। पहले दो पाइप जो है क्रमशः 4 और 10 घंटे में टंकी को भर सकते हैं, जबकि भरी हुई टंकी को तीसरा पाइप जो है 6 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों पाइप जो है यहाँ पर टंकी का अगर 3/5 भाग भरा होने पर एक साथ खोले जाएँ, तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, ये आपको बताना है। आपको पता है तीन पाइप आपके, एक पाइप ए है, एक पाइप बी है और एक पाइप सी है। जो ए और बी भरने वाले हैं, सी आपका निकालने वाले हैं। 4 और 10 घंटे में भर सकता है, सी मात्र 6 घंटे में खाली कर सकता है। चारों का एलसीएम आपका मान लीजिए 60 आ जाएगा, ठीक है। तो 4 × 4 ठीक है बचेगा 2 4 5 20, 10 × 60, 6 × 60। अब तीनों एक साथ खोल दिया जाता है यानी कि तीनों की क्षमताएँ कुल मिला कितनी आ जाएंगी, 15 6 आप लोग का 15 × 10 = 5, 6 × 5 = 11, 11 आप लोग का ही याद है। लेकिन आपसे यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि टंकी का 3/5 भाग भरा है तो खाली कितना होगा। अगर टंकी का दोस्तों 5 में से 3 भाग भरा है तो 5 में से 2 भाग खाली होगा, यानी 2/5 भाग खाली है। तो सबसे पहले तो दोस्तों 60 का 2/5 निकाल लेंगे, तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, 5 × 5 5 × 10 12 × 24 आ गया।
तो टंकी दोस्तों हमारी कितनी खाली है, 24 खाली है, एक बार में 11 भरेगी, तो 24/11 हमारा आंसर आएगा पॉइंट में समथिंग। तो देखते हैं यहाँ पर क्या दिया गया, फिलहाल आपका आंसर सीधे 24/11 ही दिया गया, पॉइंट में नहीं दिया गया है, तो यहाँ से आपका आंसर जो है सेकेंड वाला करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से किस खिलाड़ी ने अभी हाल ही में आत्मकथात्मक पुस्तक एस अगेंस्ट आइट्स, ठीक है, तो क्या है दोस्तों यहाँ पर आपका लिखा हुआ एस अगेंस्ट ऑड्स, तो ये लिखी है अपनी आत्मकथा, ये है सानिया मिर्जा। तो सानिया मिर्जा ने जो है अपनी अभी हाल ही में जो है आत्मकथात्मक पुस्तक एस अगेंस्ट ऑड्स लिखी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर क्या दिया गया, निम्नलिखित में से मानव मस्तिष्क का वह कौन सा हिस्सा है जिसमें विचारों का संग्रह होता है, तो ये है अग्र मस्तिष्क यानी कि फोर ब्रेन। अब अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, 8, 3, 3, 7, 4, 9, 5, 0, 2 में 4 और 2 के स्थानीय मानों का अंतर कितना है। देखिए 4 का स्थानीय मान आपको दे रखा है यहाँ पर, जैसे कि देख पा रहा हूँ 4 लिखें, फिर 1, 2, 3, 4, ठीक है 4 0 लगाएंगे, और आगे 2 दे रखा है, 2 का स्थानीय मान 2 है, इन दोनों का अंतर बताना, तो आपका 8 आ जाएगा, फिर 9, 9, 9, 3 ये आंसर आएगा, तो यहाँ से आपका सेकेंड वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 48 में इतना था। 49 में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया कि ऊपर दिए क्रम में बाएं छोर से 12वें करेक्टर के दाएं ओर से तीसरे स्थान पर क्या आएगा, तो 12वां करेक्टर देखिए आप लोग, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अब इससे दोस्तों आप लोग देखिए इसका तीसरा करेक्टर, तो तीसरे करेक्टर पर दोस्तों आप लोग का क्या आ जाएगा, 1, 2, 3 बी आ जाएगा आपका तीसरे करेक्टर पर, यहाँ नहीं कि आपका आंसर फोर्थ वाला करेक्ट हो जाएगा। अब रिक्त स्थानों में जो है आने वाली आकृति चुनी है, दोस्तों देखिए यहाँ पर पहले ये सफ़ेद ब्लॉक था, पहले इस डायगोनल पे था, अब क्या दोस्तों इस डायगोनल पर आ गया, अब क्या दोस्तों देखिए सफ़ेद जो है आप लोग का सफ़ेद तो नहीं है लेकिन ग्रे मान लीजिए, अगर दोस्तों ग्रे कलर अगर इस डायगोनल पर है तो अगली बार में ग्रे कलर किस डायगोनल पर होगा, आपका इस पर होगा, तो देखिए आपका एक तो इस डायगोनल पर ये है और एक इस डायगोनल पर ये है, लेकिन आपका कलर दोस्तों कौन सा वाला है, ये थोड़ा सा ग्रे कलर है, तो इसलिए आपका आंसर ए वाला करेक्ट होगा, तो यहाँ से आपका ऑप्शन ए वाला करेक्ट हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, 7 मीटर ऊंचे किसी प्लेटफॉर्म से के सीट से टॉवर का उन्नयन कोण 30 डिग्री था, यदि टॉवर से प्लेटफॉर्म की दूरी 50√3 है तो टॉवर की लंबाई कितनी होगी। मान लीजिए दोस्तों एक प्लेटफॉर्म की जो ऊंचाई है ये कितनी दे रखी है, 7 मीटर दे रखी है, ठीक है, और एक मान लीजिए दोस्तों एक टावर लगा हुआ है, तो इस प्लेटफॉर्म के शीर्ष से अगर टावर के शीर्ष को देखें तो उन्नयन कोण आपका 30 डिग्री है, ये उन्नयन कोण 30 डिग्री है, लेकिन यहाँ पर दूरी प्लेटफॉर्म और टावर के बीच की दूरी आपको 50√3 दे रखा है, आपको इस पूरे की ऊंचाई ज्ञात करना है। देखिए पूरे की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए दोस्तों आपको बता दूं मैं यहाँ पर क्या है, ये आपको 50√3 दे रखा है, ये 30 डिग्री दे रखा है, अब आप लोग 10 30 का निकाल के लगा सकते हैं, जैसे कि आप लोग लिख सकते हैं 10 30, यहाँ पर लिख सकते हैं 10 30 बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब हमारा कितना है, ये दोस्तों मान लिया हमारा कितना है, ये मान ले रहा है हमारा एक्स, ठीक है एक्स मान ले रहा है, तो एक्स अपॉन 50√3 आ जाता है, 10 30 का मान क्या होता है 1/√3 बराबर लिखा हुआ एक्स अपॉन 50√3, रूट थ्री से रूट थ्री कट जाएगा और एक्स बराबर हमारा क्या आ जाएगा, एक्स बराबर 50 आ जाएगा, तो 50 ये रहा, देखिए यहाँ से यहाँ तक कितना है दोस्तों 50 है और ये आपका 7 है, तो ये भी कितना होगा 7 होगा, तो 50 और 7 57 आंसर आप लोग का आना चाहिए, तो 57 मीटर फिलहाल ये आंसर आ गया है, ठीक है ओके। एक मिश्र धातु जो है वो किसका उदाहरण, तो ये एक सॉलिड सॉल्यूशन यानी कि ठोस विलयन का एक उदाहरण है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, ए बराबर दे रखा है -14 + 4, बी बराबर दे रखा है -4 -14, तो ए इंटू बी का मान बताना है, तो कुछ नहीं लिखा हुआ है, सिंपल सा है, ए भी वही है, बी की वैल्यू वही है, और आपका 14 में से 4 जाएगा तो आपका -10 बचेगा, और यहाँ पर भी 14 में से 4 जाएगा -10 बचेगा, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस और 10 धाम 100, इसलिए डायरेक्ट इसका आंसर यहाँ से सी वाला करेक्ट होगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर दिया गया है निम्न को हल कीजिए, सबसे पहले दोस्तों क्या करेंगे, छोटा ब्रैकेट आप लोग इसको सॉल्व करेंगे, तो देखिए यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 2 9 जा 18, माइनस माइनस कैंसिल, यानी कि 9 बचेगा आपको, 9 को आप लोग 27 से डिवाइड करेंगे तो आप लोग का 3 बचेगा, ठीक है 3 आपका ये है और यहाँ पर दे रखा है माइनस का 3, तो 3 ऑफ -3 ये माइनस के 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 माइनस का 9 हो जाएगा, 9 माइनस का है और ये दोस्तों आपका माइनस का 4 इसके आगे है, ठीक है 9 है आपका यहाँ से, क्योंकि आपको पता है दोस्तों इसको जब सॉल्व किया आपका आ जाएगा 9 3 27 3 आ गया, फिर -3 का 3 तो 3 3 9 माइनस का 9 आ गया, ठीक है माइनस 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 और ये है माइनस का 4, तो 9 और 4 आपका मिलाकर कितना हो गया 13 हो जाएगा, ठीक है ये 13 हो गया माइनस का, तो 78 को 13 से माइनस का 13 से डिवाइड करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 13 6 78 माइनस का 6 आपका आंसर होगा, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, H2O2 + Cl2 यानी कि क्लोरीन डालते हैं, तो दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl + O2 इस अभिक्रिया में H2O2 जो है किसके रूप में कार्य करता है, तो ये एक अपचायक रूप में इसमें कार्य करता है,
वर्ग जो है वो रेखा से वैसे ही संबंधित है जैसे घन आप लोग का किससे संबंधित है, वर्ग से संबंधित है। जैसे वर्ग में दोस्तों चार रेखाएं होती हैं, 1, 2, 3, 4, इस प्रकार से रेखाओं से मिलकर बनता है। उसी प्रकार घन जो है दोस्तों आप लोग का किस तरीके से बनता है, वर्गों से मिलकर। जैसे कि आप लोग जानते हैं सारे वर्ग ही होते हैं एक घन में, क्योंकि घन की सारी भुजाएं आपकी बराबर रहती हैं। महासागरों में मौजूद शैवालों की विशाल मात्रा जो है किसका अंतहीन स्रोत उत्पन्न कर सकती हैं, तो ये आप लोग का इसका आंसर है मिथेन का। निम्न में से कौन सा जीव जो है पुनर्जनन और मुकुलन यानी कि रीजनरेशन एंड बर्डिंग द्वारा जो है प्रजनन कर सकता है, तो ये एकमात्र जीव आप लोग का हाइड्रा जो कि पुनर्जनन और मुकुलन के द्वारा जो है प्रजनन कर सकता है। ओके, अब देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोग का कथन और तर्क वाला। जैसे कि एक तर्क दे रखा है आज रविवार है, अब इसके आधार पर दो अवधारणाएं कही गई हैं, कल सोमवार है आज अवकाश है, तो दोस्तों दोनों में से कौन सी बात आप लोग की सही होगी। जैसे कि आप लोग देखिए कल सोमवार है, कल सोमवार है, अगर मान लिया दोस्तों अगर आज रविवार है तो दोस्तों स्वाभाविक रूप से कल क्या होगा आपका, टुमारो इज मंडे, ठीक है, तो दोस्तों कल सोमवार ही है। अब आज अवकाश है, ये जरूर नहीं कि रविवार को अवकाश होता है कि नहीं होता है, इसलिए आपका दोस्तों राइट आंसर क्या होगा, इसका सही जवाब आप लोग का यहाँ पर केवल पहला वाला ही सही निकलता है, तो यहाँ पर क्या आएगा, केवल फर्स्ट ही अनुसरण करता है, ठीक है, केवल अनुमान एक ही जो है वो तर्क संगत है। दिसंबर 2017 में दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया था, तो ये किया गया था अंशु प्रकाश को। अब देखिए यहाँ पर आपको चार नंबर दिए गए हैं, चार सेट दिए गए हैं, ऐसा सेट कौन सा है जो किसी भी समूह से संबंध नहीं रखता, वह कौन सा सेट है, तो देखिए यहाँ पर 2 7 जा 14 और 2 8 जा 16, ठीक है, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, ठीक है, 8 7 जा 56, ठीक है, 8 8 जा 64, ओके, 5 7 जा 35, 5 8 जा 40, यहाँ पर 41 दे रखा है, तो यही आपका सेट सबसे अलग है, इसलिए आ जाएगा 5 35 41, तो इन चार सेट में सबसे अलग और डिफरेंट कौन सा है, तो ये आपका डी और जो है सेकेंड वाला ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, इस नंबर को आप लोग को सॉल्व करना, देखिए बोर्ड मार्क्स के थ्योरम के अकॉर्डिंग सबसे पहले आप लोग इसको डिवाइड करेंगे, तो आपका 4 आ जाएगा, डिवाइड करेंगे, ठीक है, 8 को 2 से भाग कीजिए 4 आएगा, 16 में से 4 जाएगा तो आपका बचेगा 12, उसके बाद दोस्तों आप लोग इससे डिवाइड करेंगे तो आपका 4 बचेगा, ठीक है, तो 3 चौक 12 4 आ जाएगा, 4 5 आप लोग का दोस्तों यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, जैसे कि आप लोगों ने इसको सॉल्व किया 8 और 2 को सॉल्व किया तो आपका यहाँ पर बचा 4, ठीक है, ओके, अब 16 में से 4 आप लोग घटाएंगे तो आपका क्या बचेगा, 12 बचेगा, अब इधर मल्टीप्लाई में 5 है, ठीक है, इधर डिवाइड में आप लोग का 3 दे रखा है और इधर डिवाइड में आपका 60 दे रखा है, अब दोस्तों दोनों जगह डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो आपका 4 बचेगा, ठीक है, 3 चौक 12 और 5 को 60 से डिवाइड करेंगे तो आपका 12 बचेगा, फिर बाद में मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 चौक 48 आएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई लोगों का क्वेश्चन गलत हुआ था, किसी का भी आंसर नहीं आ रहा था, आपको बता दें फिलहाल इसका आंसर आप लोग का 48 आएगा, ठीक है। निम्न में से कौन सा एक बॉर्डर जो है लाइन तत्व नहीं है, तो ये आप लोग का बिस्मिथ है, ठीक है। अब निम्नलिखित ग्राफ को पढ़िए और इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, आपको देखिए यहाँ पर क्या दिया गया, 2009 में मोटरसाइकिल के रंग के अनुसार की गई कुल बिक्री जो है 10,000 थी, तो हरे रंग की तुलना में पीले रंग की मोटरसाइकिलें कितनी अधिक बेची गई हैं, दोस्तों यहाँ पर देख पा रहे होंगे हरा रंग आप लोग का 8% है और पीला रंग दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर 10% है, तो कितने परसेंट अधिक है आप लोग का, 2% अधिक है, तो बस यहाँ पर आपको देखिए दे रखा है कि 10,000 जो थी बिक्री हुई थी टोटल, यानी कि 100% की वैल्यू आप लोग की 10,000 है, 100% की वैल्यू, ठीक है, 100% की वैल्यू आपकी 10,000 है, 2% की वैल्यू कितनी होगी, देखिए 2 0 से 2 0 कट जाएगा, सिर्फ मात्र 200 आएगा, तो दोस्तों कितनी अधिक बेची गई हैं, तो बेची गई मात्र 200, इसलिए इसका आंसर आप लोग का 200 आ जाएगा। 2 और 98 के बीच मध्य अनुपात ज्ञात कीजिए, दोस्तों यहाँ पर आपको क्या दिया गया है, 2 और 98 के बीच जो है मध्य अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है, तो 2 और 98 के बीच का मध्य अनुपात कैसे ज्ञात करेंगे, 2 अपॉन x बराबर x अपॉन 98, ठीक है, जब 98 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 14 के स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर बराबर 196 आ जाएगा, यानी कि एक्स की वैल्यू आपकी 14 आ जाएगा, 14। अगला क्वेश्चन देखिए क्या, धोनी एक अच्छा बल्लेबाज है और बल्लेबाज होशियार होते हैं, दोस्तों यहाँ पर बता दिया गया है कि धोनी जो है एक अच्छा बल्लेबाज और बल्लेबाज होशियार होते हैं, तो सभी होशियार लोग बल्लेबाज होते हैं ऐसा नहीं कहा गया है, लेकिन धोनी होशियार है ये बिल्कुल दोस्तों कहा जा सकता है, तो केवल यहाँ पर सेकंड वाला निष्कर्ष सही निकलता है, केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान रहता है कितना, यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान रहता है अपने जीन्स का आधा हिस्सा, ठीक है, अपने जीन्स का आधा हिस्सा रहता है। अब देखिए कुछ फरिश्ते देवता हैं, सभी जीव देवता हैं, तो कुछ फरिश्ते जीव हैं, कुछ फरिश्ते
जीव हैं या फिर कुछ जीव फरिश्ते हैं, कुछ जीव फरिश्ते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों ही नहीं बन रहे हैं, बनते हुए प्रतीत हो रहे हैं, इसलिए आपका इसका आंसर क्या आएगा, फर्स्ट और सेकंड दोनों ही अनुसरण नहीं करते क्योंकि दोनों ही किसी प्रकार से बन नहीं रहे हैं, तो सीधे आप लोग का आंसर यहाँ से सी वाला करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत, महाराष्ट्र और केरल, इसके लिए सही जो आप लोग का वेन डायग्राम है वो कौन सा है। देखिए भारत एक पूरा दोस्तों देश है, देश के अंदर दो अलग अलग राज्य हैं, ये आप लोग का हो गया महाराष्ट्र और ये एक अलग राज्य होगा केरल, तो इसलिए आप लोग का यहाँ से आंसर ये वाला फर्स्ट वाला ही करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, जर्मन सिल्वर में किसी मिश्र धातु में तांबे और जस्ते का अनुपात 17:7 था, जबकि निकल से जस्ते का अनुपात 4:3 था। मिश्रित धातु में तांबे से जस्ते से निकल का क्रमशः अनुपात कितना था, ये आपको बताना है। 51, 21, 28, 17, 28। देखिए कैसे निकालते हैं, पहली बार मैं आपको दे रखा है यहाँ पर जर्मन सिल्वर मिश्रित, यानी कि तांबे और जस्ते का, तांबा और जस्ता वाले जे का, इनका रेशियो दे रखा है 17:7। बिल्कुल देखिए ध्यान दीजिएगा, तांबे और जस्ते का रेशियो कितना है, 17:7 है। और अगली बार दोस्तों आपको क्या दे रखा है यहाँ पर, निकेल और जस्ते का, यानी कि एन फॉर निकेल जे फॉर जस्ता, इसका दे रखा है 4:3। अब कॉमन देखिए, यहाँ पर जस्ता आपका 3 है और यहाँ पर जस्ता आपका 7 है, तो बस इन दोनों को एलसीएम लेकर मैनेज करना है। तो इधर वाले स्टेप की 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्यों कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर 7 3 21 हो जाएगा, और इस वाले के पूरे की 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इधर दोस्तों 17 3 आपका आ जाएगा 51, जस्ता का आ जाएगा 7 3 21, ठीक है। इधर दोस्तों आपका 51 आ गया, इधर 7 3 21 आ जाएगा, और इधर दोस्तों 7 4 28, तो बस 51 21 28, ये किसमें, ये आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट में, इसलिए इसका आंसर ये आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक ने दो आवेशित कणों के बीच आकर्षण प्रतिकर्षण बल को जो है नियंत्रित करने वाला नियम दिया था, तो ये थे चार्ल्स कुलाम्ब। 8 बजे घड़ी की दोनों सुइयों के बीच बने कोण का मान 120 डिग्री होगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं अगर घड़ी में 8 बज रहा है तो दोस्तों क्या होगा, ये 12 है, ठीक है, ये 11 10 9 8 मान लिया यहाँ पर है, तो देखिए आपका 1 2 3 4 है ना, 4 का स्पेस है, तो नंबरों के बीच में 5 नंबरों के बीच में 4 का स्पेस है। और आप लोग देखिए, आप लोग जानते हैं कि जैसे कि 1 से 2 पर आने में, 2 से 3 पर आने में 30 डिग्री का जो है घड़ी एंगल बनाती है, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 120 आ जाएगा। देखिए इसे समझाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप लोग समझदार हैं, खुद ही कर सकते हैं। पुरुष में जो प्राथमिक यौन अंग होता है ये कौन सा होता है, ये आप लोग का वृषण होता है, ठीक है। तो फिलहाल दोस्तों आज के आप लोग इस क्लास में इतना ही रखते हैं, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। यदि दोस्तों आपको आज की वीडियो पसंद आई, इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं इसकी नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम 10 अगस्त का 3rd शिफ्ट का पेपर सॉल्व करवाएंगे। इसी तरीके से आप लोग चैनल पर कंटिन्यू बने रहिए, वीडियो को ज़्यादातर शेयर कीजिए, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कोई भी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट हो तो आपकी मिस ना हो। फिर मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।